दिलों की धड़कन कहे जाने वाले रणबीर कपूर, जिन्हें बी टाउन का लव बॉय कहा जाता है, जिन्होंने रॉक स्टार, बर्फी, ये जवानी है दीवानी और बेशरम जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है, जिनके शानदार अभिनय प्रदर्शन के बारे में हम बखूबी जानते हैं। लेकिन आज हम आपको इनकी जिंदगी से जुड़े ऐसे तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होगा, जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो फिर चलिए एक नजर डालते हैं। नंबर एक, यूं तो अभिनेता रणबीर कपूर एक्टिंग में बड़े माहिर हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये बचपन से पढ़ाई में काफी कमजोर थे। फिर भी ये कपूर खानदान से 10वीं बोर्ड परीक्षा पास करने और कॉलेज जाने वाले पहले व्यक्ति बने। नंबर दो, वहीं आपको बता दें कि रणबीर को इंडस्ट्री का चॉकलेट बॉय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका नाम अक्सर इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा जाता रहा है। नंबर तीन, आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि रणबीर ने बैंड बाजा बारात, गली, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और दिल धड़कने दो जैसे फिल्में ठुकराई हैं। नंबर चार, बताते चले जब रणबीर छोटे थे तो एक बार इन्होंने अपने पिता का आफ्टर शेव लोशन पी लिया था, फिर तबीयत बिगड़ने पर इन्हें अस्पताल ले जाया। नंबर पांच, मालूम हो अभिनेता रणबीर कपूर को इनकी माँ प्यार से रेमंड कहकर बुलाती है क्योंकि उनका मानना है कि इनका बेटा एक आदर्श व्यक्ति है। नंबर छह, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिनेता रणबीर कपूर बिना किसी हीरो बनने के मकसद से बॉलीवुड में आए थे और ये हमेशा से पेप्सी के विज्ञापन में काम करना चाहते थे, वहीं वो करियर पथ था जिससे इनका ध्यान खींचा था। नंबर सात, बताते चले यूं तो अभिनेता ने अपनी कई हिट फिल्मों से करोड़ों रुपए कमाए हैं, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी अपनी माँ नीतू कपूर से पैसे लेते हैं जो हर महीने इन्हें 1500 रुपए पॉकेट मनी देती हैं। नंबर आठ, यूं तो हम सभी ने रणबीर कपूर को इम्तियाज अली की रॉक स्टार में एक संगीतकार की भूमिका निभाते हुए देखा है, हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि एक्टर असल जिंदगी में भी संगीत के प्रति काफी जुनूनी है। नंबर नौ, हमारे बॉलीवुड के हैंडसम बैचलर का कारों पर लगे नंबरों का हिसाब किताब करने की अजीब आदत है। जी हाँ, जब भी कोई कार सड़क से गुजरती है तो रणबीर अपने दिमाग में नंबर जोड़ते हैं। नंबर 10, साथ ही आपको बता दें कि रणबीर को बहुत तेजी से खाने और बात करने की आदत है, जो कि एक डेविएटेड स्पेक्ट्रम नामक बीमारी। वह दोस्तों, क्या अभिनेता रणबीर कपूर आपके फेवरेट हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।